अनूपपुरमा ग्राउंड जीरो से हम करब जनता के बात, जनता के साथ। अनूपपुरमा विधानसभा उपचुनाव के तैयारी के जायजा के साथ साथ जनता के मत, कहां डरी परी वोट और कहां लागी चोट, सब सवालन के मिली जवाब। देखी एक्सक्लूसिव एमपी संदेश न्यूज 24 मा अनूपपुर ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट। विन्ध क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव 2020 एक कहा जाए कि रण है, यह चुनावी रण में 3 तारीख का यह फैसला हो जी या आखिर यह रण के विजेता को है। और यह रण के विजेता जाने से पहले अब कहे कि 3 तारीख अभी वक्त दूर है, तो यह पड़ताल में निकला है एमपी संदेश न्यूज 24, जहाँ पुष्पराजगढ़ के विधायक, कांग्रेस से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को जी हैं हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार। नमस्कार विधायक जी, का स्थिति है अनूपपुर के? अपना पचे बहुत दिन से देखे ला है, अपना सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, का स्थिति है कांग्रेस के? कांग्रेस की अनूपपुर जिले में आज से नहीं, हमेशा से बहुत अच्छी रही है। और अनूपपुर जिला पूर्णतः कांग्रेस का रहा है। पिछले 2018 में हम लोगों ने तीनों विधानसभा, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर और कोतमा, तीनों विधानसभा हमारे कांग्रेस के थे। वर्तमान में जिस तरीके से दल बदल जो हुआ इस पर अनूपपुर विधानसभा के विधायक ने किया, इससे अनूपपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे अनूपपुर ज़िले के लोग नाराज हैं। क्योंकि ये परंपरागत हमारे विधानसभा है, 40 साल से जो विधायक रहे हैं अनूपपुर विधानसभा के, राजनीति किए, आज हम इतने अच्छे स्थिति में हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आज चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे अपने राजनीतिक जीवन में हमने ऐसा चुनाव कभी नहीं लड़ा, कांग्रेस ने नहीं लड़ी। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और इसमें विजय सुनिश्चित है। विधायक जी, इतना अपना के अंदर आत्मविश्वास है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो न हो या कि मतलब अपना ज़्यादा आत्मविश्वासी है या कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास है अपना के अंदर? कहे कि यदि बात कही जाए तो कांग्रेस के, यदि बात कही जाए तो 10 माह से 6 बे कांग्रेस की जीत भई, 4 बे बीजेपी के भई अनूपपुर में, किंतु अब कांग्रेस वाला चेहरा जेकर यह कहा जाते कि बिसाहूलाल जो है प्रत्याशी हैं, जे काफ़ी अच्छा विकास गए हैं क्षेत्र में, हम जनता से लोगन से मिलन, तो का आखिर वजह है, कौन मुद्दे करता है तो अपना बच्चे जनता के बीच जाप? देखिए, कांग्रेस का कोई भी नेता और अनूपपुर का खास करके हम यदि बात करें तो बिसाहूलाल सिंह जी विकास जब किए, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश में केंद्र में सरकार रही, जब जाकर के केंद्र की विचार, हमारे कांग्रेस की विचारधारा से जो हमेशा कांग्रेस ने अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर में खड़ा हुए व्यक्ति जिनकी आवश्यकता है, वो कांग्रेस अपने नीति रीति के आधार पर विकास करता रहा है। इसी के आधार पर जब ये जिला बना माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोगों का सबका मांग रहा है, क्षेत्र की मांग रही है, और कांग्रेस के शासन जो भी अनूपपुर में विकास हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सरकार में या कोई भी यदि बता दे कि अनूपपुर जिले का और अनूपपुर विधानसभा का विकास किया है, तो मैं मानता हूँ कि एक असंभव है। आज जितना भी विकास हुआ कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, और जो भी विधायक होगा, आज हम विश्वनाथ सिंह जी को हमने, कांग्रेस ने उस पर जो है हम विश्वास व्यक्त किए हैं, हमारे माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने हमारे कैंडिडेट बनाए हैं, निश्चित ही वो भी जीतेगा, और जीत करके जो काम हमारे अधूरे हैं हम उस काम को हम करेंगे। हमारी 15 महीने की जो कार्यकाल रही है उसमें भी हमको काम करने के लिए 12.5 महीने मिला, लेकिन बेहतर कांग्रेस की सरकार काम करने के लिए प्रयास किया।
हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, हम किसानों को कर्ज माफ़ कर रहे थे, करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ भी किए। जैसे विधानसभा में सबको पता है, वर्तमान सरकार जानकारी दिया है, हमारे छोटे छोटे वृद्धा पेंशन 3,300 से बढ़ा के 600 हमने कर दिया। कन्या विवाह के लिए निकाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपया हमने कर दिया 25 से बढ़ा करके। हमारी मदद योजना से ऐसे जो अनुष्ठान योजना था, जिसको हम लोगों ने गांव-गांव में छोटे छोटे काम जो अति आवश्यक हैं, देवी देवताओं के चबूतरा बनाना, उसको संरक्षित करना, उसको जो है सुरक्षित करना, इस पर जनजाति समुदाय के बीच में एक सबसे बड़े जो प्रॉब्लम कि जंगल पहाड़ों में लोग निवास करते हैं, जब कोई ऐसा काम भीड़ भाड़ का हो, दसगात्र हो, छठी हो, बर हो, तमाम, तो लोग जंगलों में जहाँ निवास करते हैं बर्तनों की बहुत दिक्कत होता था। हमारे माननीय कमलनाथ जी का दूरगामी सोच, उन्होंने 25,000 रुपए प्रति राजस्व गांव में उन्होंने दे दिया कि आप वहीं राजस्व गांव में 25,000 रुपए का बर्तन आप खरीदिए, वहीं जब भी सामूहिक कोई कार्यक्रम आपके होते हैं उनका उपयोग करिए। किसी भी टेंट में जाने की, कहीं भी बर्तन किराए से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो जनजाति समुदाय के लिए 650 कुंटल हम चावल दे रहे थे, एक कुंटल दसगात्र के लिए दे रहे थे, जन्म उत्सव के लिए 50 किलो दे रहे थे। ये बहुत छोटे आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन आप वहाँ जाइए, जनजाति समुदाय में जाइए, जिसको वास्तविक ज़रूरत है उस राशन की, जिसको उस दुखियारा परिवार का जिसको जो एक कुंटल चावल मिल जाता था, उसके अंतर आत्मा से जो है कमलनाथ जी को जो आशीर्वाद देते थे। जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके बरहों में 50 किलो चावल हम उनकी ओर लेके जाते थे, उनके अंतर आत्मा में लोग खुश हो जाते थे कि यार देखो, एक ऐसा सरकार है जो हमारे लिए सोचा, ऐसे सरकार है जो गरीबों के लिए सोचा। वही और जिस विकास के बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि 70% हम मध्य प्रदेश के बच्चों को जो है नौकरियाँ देंगे, ये नए हो गया। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी नौकरी, हम तो गांव-गांव में, आप भी चैनल के माध्यम से आप जाते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, हम बताएंगे अतिशयोक्ति होगा, लेकिन जो आंकड़े तो कोई झूठ नहीं होगा। आज हम सैकड़ों में नहीं पूछ, हजारों में नहीं पूछ रहे, तो 15 साल में आपने 15,000 बच्चों को नौकरियाँ नहीं दे पाए। बच्चों से आप जो है विज्ञापन जारी करते थे, वही विज्ञापन 500,000 रुपया 1500, एक बेरोजगार बच्चा फार्म भरता था और आप उसको जो है निरस्त कर देते थे। क्या आपने उन बच्चों के शुल्क जो आपने लिया, क्या वापस आपने किया? ये बहुत बड़े वो है, हर अभिभावक इससे बहुत पीड़ित है। इन 15 सालों में हमारे 30 लाख बेरोजगार बच्चे काम के लिए भटक रहे हैं। माता पिता अभिभावक जो इतना मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, पढ़ लिख करके वो तैयार हो गया, और फिर उसको उसकी योग्यता क्षमता के आधार पर जब काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर लौट करके वही जो है पान ठेलों में, चौराहों में घूमने लगते हैं। ये देन भारतीय जनता पार्टी की है। चुनाव होता रहेगा, हमेशा होगा, लेकिन आज जो हमारे नए जनरेशन, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, वो कभी उसको माफ़ नहीं करेगा। कमलनाथ सरकार के 29 मतलब विधायक जो हैं छोड़ चुके हैं साथ उनकर, अभी हाल ही में राहुल लोधी जी छोड़ दिए, का वजह का ही संगठन की कमी है या फिर दिक्कत कहाँ ही कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक कमलनाथ के नेतृत्व का मतलब कहा जाए स्वीकार नहीं कर रहे? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। कमलनाथ जी हमारे बहुत सीधे सरल व्यक्ति हैं, बिल्कुल सहज व्यक्ति हैं, जो मैं तो कहता हूँ कि वो शंभु शिव की तरह हैं, बिल्कुल सीधे सीधे स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, वो तिकड़मबाजी की राजनीति नहीं करते हैं। मैं यदि कहना चाहूँ तो इस पर वो विश्वास नहीं करते हैं। और जिन माननीय सदस्यों ने दल बदल किया है, हमारी तो सबसे पहले
जिस माँ के गोद से हम पैदा हुए हैं उस माँ के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जिसके आंचल से आपने दूध पिया, जिस हाथ ने आपको भोजन कराया, जिस हाथ ने आपको लालन पालन किया पोषा है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके प्रति कम से कम वफादार रहो। बहुत सारी चीज़ें आते जाते रहती हैं, लेकिन आप यदि विधायक कांग्रेस के बनाए, यदि कांग्रेस के टिकट से आपने लड़ा, कल आप एक साधारण कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता से पार्टी आपको विधायक बना दिया, और जब विधायक बन गए तो ये दल बदल की प्रश्न कहाँ से आता है। आप जब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे तो आप परेशान थे विधायक बनने के लिए, टिकट के लिए। इतने होड़ हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का टिकट क्या होता है। एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करता है, और उन हजारों हजार कार्यकर्ता में एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, और टिकट पाने के बाद हजारों कार्यकर्ता फिर उसको जिताने में लगते हैं, और फिर आप दल बदल कर देते हैं, उस समय उस कार्यकर्ता का और उस पार्टी का क्या होगा। नेतृत्व की इसमें गलती कहाँ है, आप बताइए। काहे छोड़ रहे, एक आदमी छोड़े तो अलग बात यह है, दुई आदमी छोड़े, तीन आदमी छोड़े, 28, 29, 29 आदमी जो है लगातार छोड़ ही रहे हैं, तो कुछ तो वजह हो ही ना। देखिए, हमारा ये मैं मानता हूँ कि हमारे में कहीं ना कहीं जो है अभी हमारे कैडर की ज़रूरत है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, और आज जहाँ जिस मुकाम पर हम लोग हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि एक ही बात मैं कहूँगा कि हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रदेश के नेतृत्व शीर्ष नेताओं ने यदि आपको दिया है। परिवार में झगड़ा होता है, परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी कोई नई बातें नहीं हैं। यदि कोई आपको ऐसे लगता है कि मेरे से नहीं बन पा रहा है, घर में माँ बाप से बच्चे रूठते हैं, लेकिन क्या बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है? माँ से यदि पिता डांटेगा तो माँ के पास जाएंगे, माँ डांटेंगे तो पिता के पास आएंगे, दोनों से नहीं हुआ तो बड़ा भाई है, कहीं ना कहीं उसकी रास्ता तो होगा कि नहीं होगा। नहीं, तो काहे को नहीं रहा तब न छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। हाँ। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। अब तो हम कहेंगे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ये सब भाग रहे हैं, जैसे कि आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्र मीडिया जिस तरीके से उन्होंने आज प्रचारित हुआ है उससे भी हम नकार नहीं सकते हैं। अब क्या उनमें है, जब कल नहीं थे तब आपको कौन कोई नहीं ले जाता था, उस समय क्यों आपने दल बदल नहीं किया? जब आज के विधायक बन गए तभी आप क्यों दल बदल कर रहे हैं? ये प्रश्न है ना। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि आज जो भी जा रहे हैं उसमें प्रश्न चिन्ह है। जो भी कोई नेतृत्व हमारा आज ऊपर से आदरणीय राहुल गांधी जी हों चाहे सोनिया जी हों, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरीके से पूरे उसको बांध करके उन्होंने रखी है, उस संगठन को जिस तरीके से आज पूरे देश में जो आप हमारे संगठित और अपना यह मानी थे कहो न कहो कि नेतृत्व में कमी के चलते यह टूट भय मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार जो है स्थिर सरकार अस्थिर हुई गए, तो कुछ तो वजह ही हुई ना, नेतृत्व के अभाव रहा या केहू के मन मुताबिक काम। जैसे बिसाहू लाल जी काफ़ी वरिष्ठ आई जो हैं, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मंत्री रहे, उनका छोड़ के जो हैं नए नए लड़कन का मंत्री बना बगा, चाहे कमलेश्वर पटेल हो चाहे जयवर्धन सिंह हो, इनका कहीं नहीं बना बगा। बिसाहू लाल जी यदि मंत्री पद लायक रहे, वो मंत्रियाना चलाए चुके रहे, तो आखिर कहीं दरकिनार की इनका इनका। भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आपका बेटा ही तो बना था, कोई दूसरा तो बना नहीं है। आप अच्छा चला सकते हैं। एक कैप्टन जो हमारा चला रहा है, हमारी एक सीढ़ी है, यदि हम दूसरे आप चला रहे हैं, एक बहुत वरिष्ठ थे, वरिष्ठ से तात्पर्य नहीं है, आपने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, आप मार्गदर्शक भी तो बन सकते हैं। नहीं तो यदि उनका यह लागत रहा कि भाई हमका मौका मिले, हम अपने क्षेत्र के विकास करब, अपने जगह के विकास करब, तो अपना पतिन का नहीं लागत रहा कि बिसाहू लाल जी इतना मतलब हुआ रहे कि उनका बनावा जात। क्यों, मैं दो बार का विधायक हूँ, मैं भी इसी जिले का हूँ, क्या मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे न बनाया जाए? लेकिन हमने तो नहीं किया। नहीं, वरिष्ठतम सूची में रहे कि काहे कि वरिष्ठतम। हाँ।
क्यों वरिष्ठतम? हमारी हम भी दो विधायक थे, मैं भी इसी जिले का हूँ, दो दो बार विधायक था, सर्वाधिक वोट से मैं जीता हूँ। अपना मांग नहीं करे रहे कि हमको मांग की प्रश्न ही नहीं उठता। जो हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, संगठन प्रदेश को चलाने का काम मुख्यमंत्री जी का, वो किसको क्या जिम्मेदारी देंगे? हम उस सरकार के तले और झंडे के नीचे हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है सरकार को चलाना। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति पद तो 28 से 30 32 मंत्री बनेंगे, फिर कोई 5 साल बीते नहीं जा रहा था कि आप जब पूरा ख़त्म हो गया पूरा 5 साल 12 महीने भी पहल बे जीत के विधायक जो हैं मंत्री बन जाए लग हैं अपना के यहाँ, और वह जो है तीन चार बार के विधायक जो हैं वह बैठ के उठे उनका आर्डर सुन रहे हैं। बिसाहूलाल जी के द्वारा यह आरोप लगावा कि भाई हमारा सुनवाई नहीं हुए, हम जो है अपने आप का लज्जित महसूस करी थे वहाँ, तो यह सब वजह आप बताइए। आज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी क्या मोदी जी से वरिष्ठ है कनिष्ठ है, ये बताइए आप। वरिष्ठ, फिर आप सोचिए, ये बात सोचिए ना, उनसे पूछिए उनको कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं तो एक विधायक के नहीं, विधायक उसका बात नहीं है। आज वो भी सांसद हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी सांसद हैं, आज वहीं आदरणीय मोदी जी भी हैं। तो कहाँ कहाँ कमी तो हुई ना, तब ना छोड़ के चले गए, या अपना मनाए नहीं पाए उनका, या उनका समझाए नहीं पाए, कहाँ कहाँ तो कमी रही। हमारी कोई कमी नहीं, जब व्यक्ति का स्वार्थ व्यक्तियों में आएगा तो वो दल बदल करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात, मतलब अपना के द्वारा साफ तौर पर यह बात स्पष्ट की गए, और बहुत हम खोज पूछबो बहन, कोशिश यह करें कि कोनो बात ऐसा निकल के आवे, किंतु अपना के सीधी तौर पर आरोप है कि व्यक्तिगत स्वार्थ ही तो वहाँ टूट संभव है। नेतृत्व के सवाल पर यह कहें कि कमलनाथ एक बढ़िया नेतृत्व है, सरल सहज स्वभाव है, भगवान शंकर से उनकर तुलना कह दी। अब भगवान शंकर हम तो नहीं चाहिए कि इंसान जो है कोनो भगवान के स्वरूप ले सकते हैं, या उनके रजो मिट्टी भर, या हम कही कि बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में यदि उनकर गुण आ जाए तो शायद इंसान भगवान बन सकते हैं, किंतु चलिए ठीक है। अब सवाल एक बेहद ज़रूरी सवाल है कि अभी हाल ही में जो है जुबानी जंग जारी है, इमरती देवी के अपना जानकारी भय हुई कि उनका एक मंच के द्वारा जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा जो है एक गलत शब्द उपयोग कीनगा, आइटम शब्द के उपयोग कीनगा, जो उनका भाजपा खूब मुद्दा बनाई, चुनावी मुद्दा बन गया हुआ, का कहा हुआ पूरे मामला? इसके बारे में तो उन्हीं से आप पूछिएगा। नहीं तब एक महिला सम्मान के प्रति का अपना के मन में का है? हम महिला सम्मान की यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, अभी जो बिसाहूलाल सिंह जो भाजपा प्रत्याशी हैं, हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी की पत्नी श्रीमती राजवती जी, जिस तरीके से उन्होंने अपशब्दों का उपयोग कहा, इससे बढ़ के और कुछ नहीं कहता। हम राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे कुछ धर्म शब्दकोश भी निर्धारित हैं। हम एक हिंदू देश के रहने वाले हैं, बहुत विभिन्न जाति धर्म के अनुयायी हमारे यहाँ हैं, राम हमारा आदर्श है। बिसाहूलाल सिंह जी ने भगवान राम के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया कि वो राजा दशरथ में तीन पत्नियाँ रखी थी, आप कहने वाले कौन होते हो? यदि मेरे राम आदर्श है तो उसके माता पिता भी मेरे आदर्श हैं। जिसके लिए इन्होंने बैठ रहे हैं, वो अपने गिरेवान को झांके कि उनके लोग पत्नी का क्या सम्मान दे रहे हैं, फिर हमसे बात करें। नहीं तो मतलब अपना कमलनाथ जी के वो बयान से सहमत हैं, पक्षधर हैं जो कमलनाथ जी उपयोग करें। बिसाहूलाल जी के बयान बेहद निकृष्ट रहा, किंतु कहा कमलनाथ जी के बयान सहमत हैं अपना? मैं आपसे कहा कि ये सब उन्हीं से पूछिएगा, क्योंकि मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नहीं। यह चीज़ मीडिया में चली और अखबारन में रही, सलगे, मतलब ऐसा कौनो जगह नहीं रही जहाँ यह बात के जिक्र ना हो कि कमलनाथ जी के द्वारा जो है इमरती देवी जो उन्हीं के पहले पार्टी में रही आज भाजपा में ही, उनके खेतर भरे मंच से एक शब्द आइटम के उपयोग किए गए, तो यह का उचित रहा? शब्द कोश की कमी है का कांग्रेस में कहो? देखिए हमें, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस मंच में ना हमने साझा किया, ना श्रवण किया, ना अवलोकन किया, उसके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं होगा।
ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस महिला सम्मान का कितना बड़ा मुद्दा है? कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पूरे उठा लीजिए, आप इतिहास उठा लीजिए, मीरा कुमार जी से आप लीजिए, हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आप लीजिए, हमारे सोनिया गांधी जी को ले लीजिए, हम और कहाँ कहाँ हम बताएं नारी सम्मान की, ये बताएं, अपने लिस्ट उठा लीजिए, दोनों का आप मिला लीजिए। हमारी तो नारी का हम हमेशा सम्मान किए और उच्च पदों में बैठाए हैं, उच्च पदों में कांग्रेस ने बैठाया, हम हमेशा कांग्रेस का सम्मान। ये हमसे बात करते हैं, इनके अपने लंगोटी ये ठीक करें, इसके बाद हमसे बात करें। निश्चित तौर पर अपने ये बताइए कि जैसा राहुल गांधी है कमलनाथ जी के बयान में कहीं कि यह जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, वो खुद कहीं कि हम माफ़ी मांगे थे, जब कमलनाथ जी से यह बात पूछी गई तो कमलनाथ जी कहें कि यह उनका व्यक्तिगत राय है, हमार जो है हम माफ़ी ना मांगा, हम कौनों ऐसा गलत बात नहीं कहता, आइटम शब्द के अर्थ का निकाली थे अपना ये बताइए। देखिए, जिन मुद्दों पर जिन बातों पर हमारे वरिष्ठों ने अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं उन पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। चलिए ये ठीक है, अपना वह बात से दरकिनार कह रहे हैं, किंतु अब आखिरी सवाल यह है, अनूपपुर में यदि कहा जाए कि 1.5 लाख मतदाता हैं, कितने वोट से अपना प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, का स्थिति का है? अभी जो हम लोगों ने काम किया है और आदरणीय मतदाताओं का ऐसे रुख है कि जैसे लोगों ने जो आपके माध्यम से जो जानकारी मिला कि जो 25 विधायक गए, व्हाट्सएपों में बहुत आया है कि 35-35 करोड़ रुपया लिए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो व्हाट्सएप में जो देख रहा हूँ, वोट का प्रति वोट की आंकड़े भी जारी हुए। तो हमारे यहाँ कम से कम जो मतदाताओं ने बोला कि यदि 35 वो लिए हैं तो 35,000 से कम हमको हराना है, उन्होंने तय किया है कि 35,000 से अनूपपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी हारेगा, ये मैं आपको कह देता हूँ। आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये सारे चीज़ें लेन देन स्पष्ट है, डील स्पष्ट है, तो वोट की जीत भी स्पष्ट है, ये आप मान के चलिए। दावा तो भाजपा कह रही है कि हम जमानत जब्त कर दें विश्वनाथ सिंह जी के, तो क्या कहा? वो बता दें कि 40 साल विसाहूलाल यहाँ के विधायक रहे, 40 साल उन्होंने राजनीति किया है अनूपपुर विधानसभा का, 40 यदि कांग्रेस के हमारे नेता गए हों तो वो बता दें 40, मैं नहीं कहता हूँ, 40 यदि कोई कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता यदि छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हों तो वो मुझे बता दें। बहुत सारे विधानसभाओं से बहुत लंबी लंबी लिस्टें आती थी, कहीं इनकी यहाँ पार्टी में ले जाके 1,000-1,500 को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अनूपपुर जिले से एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं गया, वो व्यक्ति गए जो उनके छंद अगल बगल में उनके लालच में जो हमेशा पलते थे, वही 2-4-10 गए हैं जो नामी हैं। मैं नाम बता सकता हूँ, कोई इसके अलावा बताएं वो? आज जो हमारी स्थिति अनूपपुर ज़िले में बना, उन्होंने कहा था कि 80% कांग्रेस हमारे अब यहाँ से ख़त्म, सारे लोग मेरे साथ हैं। आज बता दें, आज बीजेपी को दांतों चले चबाना पड़ रहा है, कार्यकर्ता हेरे नहीं मिल रहे, बाहर से ला ला करके और बूथों में रखे हैं, वहाँ जो है फर्जी वोटिंग कराने का हमको पूरा आशंका है। हम जैसे हम तो निर्वाचन कार्यालय में भी हमने शिकायत हम लोग करेंगे कि चुनाव प्रचार के बाद कोई भी बाहर का व्यक्ति अनूपपुर विधानसभा के अंदर ना रहे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, मैं ये नहीं कहता, स्वतंत्र मतदान हो, वोट डालने दीजिए, निर्णय जनता करेगी। 3 तारीख के बाद एक थे धमकी हम सुने हैं कि 3 तारीख के बाद अशोक अग्रवाल का हम देखे ले जो अपना के जिलाध्यक्ष हैं जय प्रकाश अग्रवाल जी, तो यह काम पूरा मामला है, काहे के विवाद चल रहा है दोनों जने के बीच? इसको मैं कहूँगा खिसियाएँ बिलैया खम्भा नोचे, चूँकि वो चुनाव हार चुके हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। ये मानते थे कि जयप्रकाश अग्रवाल मेरा बनाया हुआ अध्यक्ष है और जैसे मैं छोड़ूंगा कांग्रेस छोड़ने के बाद ये सारे के सारे लोग ये अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जो है भाजपा में शामिल हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ जयप्रकाश अग्रवाल जी को कि उन्होंने कांग्रेस पर निष्ठा व्यक्त किया कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं, और उन्होंने
गया, स्वयं गए भी नहीं और किसी को जाने भी नहीं दिए। उसको दाग मैं धन्यवाद देता हूँ कि 13 साल तक बिकाऊ लाल के साथ काम करने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति को नहीं छोड़ा और ना ही कार्यकर्ताओं को विचलित होने दिया। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उन्हें धमकाने का काम किया है, देख लेने का काम बात कर रहे हैं, दुर्दशा कर देने की बात ही कर रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब व्यक्ति एकदम किसी चीज़ में हार मान जाए, मारना पीटना लड़ाई झगड़ा किसी भी बात का अंतिम दौर है कि जब कोई रास्ता जब ना निकले तो लोग झगड़ा लड़ाई करते हैं, मारपीट में उतारू हो जाते हैं। वो काम जो है बिसाहू लाल कर उतारू हो गया है। जयप्रकाश अग्रवाल कोई अकेला नहीं है, उसके साथ संगठन है। वो एक संगठन का कांग्रेस अनूपपुर जिले का वो मुखिया है, उसके साथ मैं विधायक हूँ, भाई सुनील सराफ जी हैं, पूरे संगठन उसके साथ है। जब कोई ऐसी बात आएगी हम संगठन और परिवार के एक उनके साथ हैं, दुख सुख में हम साथ हैं। क्यों ऐसा होगा, इसके बारे में भी हमने लिख के दिया है। हमने उसके FIR दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने वहाँ कोतवाली में सूचना भी दिए हैं कि भाई इस तरीके से इन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि अभी सरकार उन्हीं की है, उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 3 तारीख के बाद वो इस लायक रहेगा ही नहीं, जब तुम मंत्री और विधायक ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे, फिर हमारी सरकार होगी मध्य प्रदेश में? जब हमारी सरकार होगी तो काहे को तुम कुछ कर पाओगे? नहीं, अपना का सरकार बना पाए, मैं 28 के 28 सीट चाहिए, अब तो 29 सीट हो गई, 29 के 29 सीट हुई तब जाके अपना सरकार बनाए पाओ। और भाजपा महज 10 सीट बना ले के सरकार बना ली, तो अपना खेती चुनौती तो बड़ी है ना। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर हमारे चुनाव होते हैं। यदि इस देश में इसी तरीके से चुनाव चुने हुए जनप्रतिनिधि खरीदे और बिके जाते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो 29 चले जाएं और चाहे 30 चले जाएं, आज हम आपको बता दे रहे हैं कि आने वाला सरकार माननीय कमलनाथ जी का ही बनेगा। देखिए, ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम बाहुबली हैं। आने हर व्यक्ति अपने अपने हर का राजनीतिक व्यक्ति अपने अपने आधार पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस हमसे स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास किया, तोड़ फोड़ पर हम विश्वास नहीं करते थे। हमारे आदरणीय नेताओं ने भी कभी ऐसे नहीं किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ आदर्श स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी आदर्शों पर इनको जाना चाहिए। जब एक वोट से जब उनकी सरकार गिरी, वो देश के प्रधानमंत्री थे, वो चाहते तो कई खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। नहीं तो शुरुआत तो कमलनाथ जी के द्वारा की, इनके शरद कोल और नारायण त्रिपाठी से। नहीं, हमने नहीं किया, हमने कहाँ किया है? हमने खरीद प्रयुक्त तो नहीं किया कि अपने दल में मिला लिए। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विधानसभा में जो उन्होंने नारायण त्रिपाठी शरद कोल को बैठा के बयान दिएगा कि अभी कांग्रेस जो है आवे चाहते हैं और इनका शामिल किन जा लग है, फिर बाद में समीकरण जरूर बिगड़ गया। यदि कोई कांग्रेस में आता है तो उसको हम थोड़े कहेंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरा कुनवा बढ़े। यदि कोई आना चाहता है कांग्रेस में, उनका स्वागत है, हम माला लेके खड़े हैं। हम तो ये थोड़े कहेंगे कि कांग्रेस में नहीं आए। नहीं तो BJP तो यह कहा थी कि हम माला लेके खड़े रहें, 28, 29, 30 आदमी आएंगे। उनका अलग है, माला में कुछ और लगा है। माला में देखिए, माला में अलग है, ये आपका जो है माला में फर्क है। अब कौन से माला कितने वजन का है? अच्छा, अपना के हल्की माला रही हो सकता है कि माननीय कमलनाथ जी जो है इन पर विचार न कर दे रहे होंगे कि, और उनको जो जा रहे हैं भाई लोग, उनको वो माला अच्छा लगा होगा, जो उसमें खुशबू ज्यादा नहीं होगी। माला की माल, अब ये बेहतर तरीके से आप जो कह सकते हैं कि माला था कि माल था,
अब जैसे आ रहा आरोप तो अपने पचे लगाए रहे ना, गद्दार हैं, बिक गए 35 करोड़ में बिक गए, तब फिर एक मतलब तो यह है अपना निकालब तो भाई बिके अब वो जाने नहीं तो कमलनाथ जी अपना की मुख्यमंत्री कहा था कि बिकाऊ लाल ही बिसाहू लाल न हो ही, तो मतलब यह सब बात तो आ रही है। ऐसा नहीं है, हमारा तो ये है कि जो बिकेगा वो बिकाऊ लाल होगा, जो बिक गया उसका बिकाऊ लाल ही नाम होगा, चाहे वो आलू भाटा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे लौकी हो, जो बिक गया तो बिकाऊ हो गया का है। अब जिसने भी बिका है उसको बिकाऊ ही कहेंगे। नहीं तब ओकर कुछ तय रेट रहा हुई ना कि कितने में बिका या कैसा बिका? भाई मैं तो जानता नहीं व्हाट्सएप में, अभी कल तो मैं ये भी नए मुख्यमंत्री अपना के खुलेआम मंचन से कहा थे कि बिक गए, गद्दार हैं 35 करोड़ रुपये। हाँ गद्दार हैं, गद्दार है नहीं तो वो तो माला लेके स्वागत कर रहे हैं ना, जैसा अपना स्वागत कर रहे हैं माला लेके, तो वो कर रहे हैं कि अपना आवे चाहिए थे ताई जी, तो गद्दार कहे के या मैं तो अपना के बहुत लोग हैं जो जैसा अर्जुन सिंह हैं, कुंवर अर्जुन सिंह स्वर्गीय अर्जुन सिंह, वो अपन तिवारी कांग्रेस बनाए लेन, इंदिरा गांधी जी अलग अपन पार्टी बनाए रही, तो कहा मतलब सब गद्दार हो गए, कांग्रेस से तो बहुत लोग जो है अलग भी हैं, फिर बाद में फिर से कांग्रेस में शामिल हुई गई। नहीं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो बहुत आगे बढ़ गया है, इस दुनिया में है भी नहीं, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। मतलब एक एक जमीनी तो बात है, इस संसार में नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि आज जो इस संसार में है ही नहीं है यदि, तो उसके बारे में हमको नहीं कहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम वर्तमान की हम बात कर लें, भविष्य क्या था, बीते वर्तमान हमारी क्या है, आज हमारे इस देश की लोकतंत्र की है, और इस लोकतंत्र में कितने क्या जिस तरीके से बाज़ार में लोग बिक रहे हैं वैसे हमारा प्रतिनिधि बिक रहे हैं। एक समय वो था कि महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता आज हुए, यदि वो चाहते महात्मा गांधी जी तो राष्ट्रपति भी बन जाते, वो जो चाहते वही बनते, लेकिन वो संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव समाज के लिए लगा दिया, और मैं मानता हूँ कि वो नहीं बने, कोई पद नहीं लिए, तो आज राष्ट्रपिता हैं, विश्व में जाने जाते हैं, तो ये भी एक आदर्श था, ये भी एक सिद्धांत था। अभी राहुल लोधी जो है कुछ दिन पहले जो आज कल सदस्यता ली नहीं भाजपा के, अपना के रामेश्वर प्रसाद जी का अपन वह सौंपी नहीं त्याग पत्र, तो ये बताई कि वो कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि जो बिक रहा है जनता से, जनता का जनमत जो है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये बताई मान ली अपना का ऑफर आवत है, भाजपा वाले कहा थे कि आ जाए हमारे माँ, उनके लगे जो माला ही हुआ अपना का पहना देते, तो अपना का कहा? देखिए बहुत, ये तो सबको ही माला पहनाना चाहते हैं, ये तो माननीय मोदी जी ये कह दिए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस मुक्त भारत वो कर पाए? कांग्रेस इतना कमज़ोर नहीं, जड़ कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस की इतिहास रहा है कि शून्य में पहुंचा और शून्य से 100 में भी पहुंचा है, उतार चढ़ाव ये राजनीति में होता रहा है, लेकिन कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हुआ, कांग्रेस एक विचारधारा है और ये विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होगा, व्यक्ति परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन विचारधारा पर अपना माँ गुंजाइश ही का हमारी